एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट को किस प्रकार से लिंक किया जाता है जिससे कि हमारा जो यूट्यूब पर पैसा है वह सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आ सके। इसके लिए हमें कौन सा फॉर्म यहाँ पर भरना होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको लाइव यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक यहाँ पर बैंक का मैं यहाँ पर लिंक करने वाला हूँ अपने एडसेंस अकाउंट में, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको यह जानकारी बेटर समझ में आए। और 2021 की ये न्यू अपडेट में मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ पूरा लाइव। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे कि आपको लगातार ऐसी नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। हमें अपने बैंक खाते को एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक करना होगा जिससे कि हम अपना पैसा यूट्यूब से सीधा डायरेक्ट अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा सके। इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन कर लेना है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने अपना एडसेंस अकाउंट ओपन कर लिया है और कुछ इस तरीके से हमारे सामने ये पेज ओपन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे, रिपोर्ट, यहाँ पर पेमेंट, अकाउंट, फीडबैक, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मेरा यहाँ पर जो टोटल ईयरनिंग है वह यहाँ पर $13.87 है और यहाँ पर जो हाउ यू गेट पेड, तो यदि मेरे को ये पैसा ट्रांसफ़र करवाना है अपने अकाउंट के अंदर तो मुझे यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई करवाना होगा, यहाँ पर लिंक करवाना होगा। यहाँ पर आपको ऐड पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारे बैंक का एक फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को दोस्तों हमें केयरफुली तरीके से फिलअप करना होगा जिससे कि हम अपना जो पैसा है यूट्यूब से वो सीधा हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। तो यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल बिल्कुल केयरफुली तरीके से आपको फिलअप कर लेनी है। तो हम चलते हैं इसकी एक एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल की ओर और देखते हैं कि यहाँ पर हम किस प्रकार से ये फॉर्म फिलअप करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे कि आपको लगातार ऐसी नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। नेम ऑन बैंक अकाउंट में आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक नेम में आपका जो बैंक का नाम है वह आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपका जो बैंक का IFSC कोड है वह आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्विफ्ट BIC नंबर आपको अपने बैंक के मैनेजर के पास मिल जाएगा या ऑनलाइन भी आप सर्च कर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है और री एंटर आपको बैंक का अकाउंट फिर से डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से दोस्तों आप अपने इस बैंक को आसानी से अपने एडसेंस अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। ये था दोस्तों पूरा तरीका अपने बैंक अकाउंट को अपने एडसेंस अकाउंट में जोड़ने का जिससे कि आप अपना पैसा यूट्यूब से सीधा डायरेक्ट अपने खाते में ले सके। तो दोस्तों ऐसी नई नई जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। और किसी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।